5 तारीख को मेरी बेटी की जन्म हुआ था, तो शाम को ऑपरेशन से डिलीवरी की थी डॉक्टरों ने। तो उन्होंने कहा था कि भाई बच्ची जो है वो सांस ले नहीं पा रही है ढंग से, तो इसको मशीन में रखना पड़ेगा। तो ऐसा कहकर वो मशीन में लेके गए और उसके बाद 24 घंटे के लिए बोला कि मशीन में रखना पड़ेगा उसको। तो मुझे तो मालूम था कि इस तरीके से कि गलत है, वो ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं। तो उसके बाद दिन में हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको डिस्चार्ज करवा लिया, लेकिन फैमिली को फिर थोड़ा सा बहम हो गया कि भाई सांस ढंग से ले नहीं पा रही है। तो ऐसा करके फिर वो डॉक्टर ने दिखाया तो फिर वो वापस मशीन में लेके गए। तो ऐसे 2 दिन उन्होंने रखा और उसके बाद वो बोले कि भाई इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा क्योंकि जो है वो क्रिटिकल हो गया प्रॉब्लम ज़्यादा। तो ऐसा कह के उन्होंने बोला सेठी हॉस्पिटल में, आप अलवर का बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, तो वहाँ पे लेके जाइए। तो फिर तुरंत रात को इमरजेंसी बोल के वो वहाँ पे शिफ्ट करे और सेठी हॉस्पिटल में उन्होंने पूरा लिखवा लिया हमसे कि भी वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने जिम्मेदारी पे बच्ची को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे घबराहट होने लगी कि भी इस ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, वेंटिलेटर का सर से सुना था हमने। तो मैंने वीरेंद्र भाई को मैसेज डाला कि कैसे भी करके ये मेरा मैसेज जो है डॉक्टर सर बेसुरूप तक पहुँचा दीजिए ताकि मैं इस मतलब इसको हैंडल कर पाऊँ कि कैसे करना है। तो शाम को अगले दिन 5 बजे सर का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि इमिडिएटली उसको डिस्चार्ज करवाइए। फिर हमने डॉक्टर को बोला कि हमें इस तरीके से डिस्चार्ज करना है, तो डॉक्टर बोले कि वेंटिलेटर पे बच्चा है, ऑक्सीजन लग रही है, आप कैसे लेके जाएंगे। तो भी सर ने सपोर्ट किया हमको और फिर हमने उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया। और जैसा सर ने कहा कि भाई बेटी को दूध के साथ लगवा देना माँ के और टच में रखना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वैसा ही हमने किया और अब बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि निमोनिया है, पीलिया है और कैल्शियम की कमी है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे है। तो हम बहुत डर गए थे कि कैसे होगा, लेकिन सर ने सपोर्ट किया और हमने वहाँ से बेटी को डिस्चार्ज करवाया और अब बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और इस तरीके से वो डॉक्टरों ने पूरा हमें डराया, अगर सर साथ ना देते तो पता नहीं क्या वो बेटी के साथ वो करते। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में मतलब बहुत ही गलत तरीके से लूट वगैरह चल रही है इसकी, मशीनों में रखते हैं बेवजह, कोई मतलब नहीं था। पहले ही खुद ही सही बेटी को मतलब सही बच्चे को क्रिटिकल केस पे लेके जाते हैं और फिर जबरदस्ती वो पैसा वगैरह लूटते हैं और ऐसा करते हैं। तो सर को मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बेटी बेटी को बचाया। इसके लिए थोड़ा सर गिफ्ट भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे ये तो थे मनीष और हमारे यहाँ पे हमारे मित्र हैं वीरेंद्र। वीरेंद्र एक बार आप खड़े हो जाओ, जहाँ भी हो आप अगर हो तो। यहाँ पे वीरेंद्र शायद बाहर का अभी काम संभाल रहे हैं। अच्छा, पीछे वहाँ पे हैं वीरेंद्र जो कि हरिद्वार से अभी आए हैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, वो मैसेज मैंने देखा और मैं तो शॉक था, आइडिया था कि ऐसा होता है। लेकिन अपने ही कोई लोग नाइस एक्सपर्ट हैं, वाइस एक्सपर्ट हैं, मनीष सोनी हमारे साथ कोविड के पेशेंट ठीक कर रहे हैं पिछले कई महीने से। तो अभी आपने सारी कहानी सुनी। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप आज की शुरुआत का, ये जो शुरुआत है आज की, ये बिगनिंग, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बिगनिंग मतलब जो जीवन शुरू होता है तब वो एक नई बिगनिंग है, या फिर जीवन जब खत्म होता है तब भी एक नई जीवन शुरू होती है। द मोमेंट यू डाई, जब भी कोई मरता है, मरने के बाद जो पहला 4 मिनट है उस वक्त क्या करना है और अभी मनीष सोनी को क्या करना चाहिए था या आप किसी को भी क्या करना चाहिए था। एक बड़ा सिंपल सा एक फैक्ट मैं आपको सामने रख रहा हूँ। एक बात याद रखिए, बिल्कुल क्लियरली याद रखिए, क्योंकि जो स्थिति मनीष की आई है वो बाई चांस की बात है कि रूट करते हुए मेरे तक आया, फिर मैंने बात किया, फिर व्हाट्सएप से ग्रुप बनाया, फिर उनको बताया डॉक्टर अगर ऐसा बोल देगा तो ये बोल देना, डॉक्टर डरा देगा कि वेंटिलेटर से बाहर हटाओगे तो कुछ भी हो सकता है, हम जिम्मेवार नहीं है। तो तब बोल देना सर आप वेंटिलेटर पर रखिए अगले 10 दिन तक भी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और जैसे ही कोई हॉस्पिटल सुनेगा इनके पास पैसे नहीं है तो बोलेगा बच्चा ठीक है ले जाओ भाई। तो हुआ यही। तो मैंने कहा छुटकारे का ये एक टिप है कि आप बोल दो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो लेकिन मेरे पैसे नहीं है, उधार के मैं सोच रहा था दे देगा, वो उधार वाला गायब हो गया।
ठीक है। तो ये तो हुआ इनकी कहानी, लेकिन ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है, राइट। तो पहले बात तो ये आप ना समझें कि अगर आपके पास बच्चे को खिलाने के लिए नहीं है, खिलाने के लिए है ऑलरेडी, तो आपका बच्चा बच्चे से कोई निवाला नहीं छीनेगा या बच्चे को आपसे नहीं छीनेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना ही ये जो मैं तो बोलता हूँ ये रामगढ़ है, रामगढ़ में कभी भी गब्बर आ सकता है किसी भी रूप में, आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो लोग सुरक्षा के लिए रखे गए हैं वो सुरक्षा दिखते हैं लेकिन सुरक्षा करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, याद रखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मेडिसिन, उसका अमृत, उसका खाना वो साथ में लेके आता है, वो है माँ का दूध, राइट। तो अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर किसी वजह से बच्चे को मां से अलग करता है तो दैट इज ए क्राइम, राइट। जैसे इस केस में हुआ, अगर बच्चा ठीक नहीं है, ठीक होगा या नहीं होगा दो ही चीज हो सकते हैं, अगर ठीक नहीं, कमजोर नहीं, फिर तो और जरूरी है, पैदा होते ही बच्चे को इमीडिएटली मेडिसिन की जरूरत है और दैट मेडिसिन इज माँ का दूध, इमीडिएटली जरूरत है, राइट। और अगर बच्चा पैदा कर पा रही माँ तो वो दूध भी पैदा कर पाएगी ही पाएगी, ऐसा कोई साइंस नहीं कि बच्चा तो पैदा हो गया अब दूध नहीं बन रहा, तो दैट इज नॉट अ, वो तभी हो सकता है जब वो कोई हार्मोनल पिल्स बच्चे के पैदा होते उससे पहले माँ को दिया जाए। अगर वो सब नहीं दिया जाएगा तो जितनी दूध बच्चे को चाहिए उतना दूध माँ के माँ को बनेगा, तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और सांस लेने की दिक्कत है, ऐसे हो सकता है कई बार, राइट। ऐसे में दो दुनिया का सबसे बेस्ट वेंटिलेटर उतने छोटे बच्चे के लिए है माँ की गोद, राइट। माँ को चिपका के ही रखना है और बस यही दो फॉर्मूले हैं और थोड़ा बहुत धूप और हवा, ये तीन ही फॉर्मूले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोलता है कि ऑक्सीजन पे लगाना है, देखिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं जरूरत है, हमारे बॉडी को जरूरत है एयर की, एयर, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, एविडेंस भी दिखाऊंगा आपको। बॉडी नीड्स एयर, बॉडी डोंट नीड ऑक्सीजन, राइट। आपने देखा होगा कोई भी क्रिटिकल पेशेंट या सो कॉल्ड क्रिटिकल पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में ऑक्सीजन लगा देते हैं। भाई आप एक बात समझो कि हमारा जो बॉडी बनी है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी है, दैट इज फॉर एयर, हवा गया ना, ऑक्सीजन ढूंढना गया, उसमें ऑक्सीजन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, 20-21% है, बाकी तो बाकी और एलिमेंट्स हैं, वो भी जरूरत है तभी बॉडी के अंदर गया, राइट। आपका जो स्कूटर है वो पेट्रोल से चलता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इसमें जेट फ्यूल डाल दो, जेट फ्यूल जो हवाई जहाज वाला वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो क्या वो पेट्रोल ज्यादा अच्छा चलेगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो स्कूटर है इट इज डिजाइन फॉर पेट्रोल, तो पेट्रोल के अलावा कोई भी फ्यूल चाहे वो कितना महंगा कितना प्योर क्यों ना हो वो नहीं चलने वाला, राइट। सो सिमिलरली अगर कोई आपको किसी भी कंडीशन में, फॉर एनी कंडीशन, अगर वो ऑक्सीजन मास्क लगाता है तो एविडेंस बेस्ड दो तरह की चीजें हैं कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, प्रचलन में क्या है, ये दूसरा सबूत क्या कहता है। अब आप किस चीज को मानेंगे, प्रचलन में क्या है वो मानेंगे या सबूत क्या कहता है अभी तक का एविडेंस क्या मानेंगे, तो मैं अभी सबूत की बात कर रहा हूं, प्रचलन में क्या चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। सबूत ये है कि ऑक्सीजन से अगर आप लगाएंगे तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम परमानेंट और हो जाएगी, तो किसी भी कंडीशन में ये ऑक्सीजन का जो थेरेपी जिसे बोलते हैं ये इसकी जरूरत नहीं है, रादर ये नुकसानदेह है, पहली बात। यहां पे